नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के विवाद के बाद लोगों का निगाहें जो टिका हुआ है वो ये कि भाई गाना रिलीज होगा कि नहीं होगा, गाना रिलीज होगा तो क्या फिर से स्ट्राइक जाएगा, आगे क्या फैसला होगा। तीसरा जो है, खेसारी लाल यादव क्या ऐसा इनिशिएशन लेने वाले हैं ताकि ये मामला सुलह हो जाए और खेसारी लाल यादव के रेगुलर गाने आते रहें। इसको लेकर मैं तमाम मुद्दों पर बात किया हूं, आपको बताया हूं कि खेसारी लाल यादव के पास कई सारे ऑप्शन हैं जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर राजकुमार सिंह से बैठकर खूबसूरत अंदाज में बात कर सकते हैं, बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, नहीं तो जितना डील हुआ है उतना गाना देना पड़ेगा। ये तो ऑफकोर्स ये कोर्ट का मामला है और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन जो है मानने वाला नहीं है। इस कड़ी में कल जो है आपको पता होगा कि नीलम गिरी ने एक पोस्ट भी किया था कमिंग सून लिखकर, जिसके बाद कयासबाजी तेज हो गई कि क्या सच में खेसारी लाल यादव का गाना आने वाला है। हालांकि अभी तक पोस्टर तो नहीं आया है, इंतजार रहेगा क्या आता है नहीं आता है, तो आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में ये गूंज रहा है कि भैया जब खेसारी लाल यादव श्वेता महारा के साथ, नम्रता मल्ला के साथ, नीलम गिरी के साथ, इसके अलावा जो है एक्ट्रेस रानी के साथ और भी तमाम हीरोइनों के साथ जो गाने खेसारी लाल यादव ने शूट किया है, क्या वो गाना रिलीज होगा। अगर ये बॉन्ड यानी कि ये जो एग्रीमेंट है उस पर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन टिका रहता है तो क्या ये गाना रिलीज होगा। तो इसमें एक चीज़ अगर मैं कहूँ तो आपको ये चीज़ जो है समझनी पड़ेगी थोड़ी सी, कि देखिए कोई भी कंपनी अगर गाना ली है खेसारी लाल यादव का तो वो तो भाई 2 साल इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करने वाली है, क्योंकि बताया आपको कि 10 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी कंपनी इन्वेस्ट की है खेसारी लाल यादव पर, टुनटुन यादव का गाना, टुनटुन यादव जो अनंता म्यूजिक वर्ल्ड वाले हैं, तो सभी जो कंपनी के मालिक हैं वो खेसारी लाल यादव पर काफ़ी बड़ा अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट किए हैं, तो इतना दिन तक इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैसा भाई लागत है, तो वो अगर आएगा नहीं तो फिर कंपनी को काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कंपनी वाले ये कर सकते हैं कि शायद ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाले को गाना बेच दें, ठीक है, ग्लोबल म्यूजिक वालों को जंक्शन को गाना बेच दें और वो अपना रकम बताएं कि भाई मेरे पास इतना रकम लगा है, आप इतना दे दें और उसका कुछ शेयरिंग दे दें, तो उसके अनुसार एक बीच का मामला म्यूजिक कंपनियाँ भी निकाल सकती हैं, ठीक है, ये हो सकता है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या फैसला होता है, खेसारी लाल यादव गाने रिलीज होते हैं कि नहीं होते हैं। तमाम जो संभावनाएं बन रही है मैं आपको लगातार साझा कर रहा हूं, अब देखना यही होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।